वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट अर्चना। फ्रेंड्स, एक हफ्ते पहले मैंने अपने पंडानस के प्लांट की रिपोर्टिंग की थी, तो उसमें से ढेर सारे बेबी प्लांट्स निकल गए थे, बच गए थे। तो मैंने उन्हें निकाल कर और पानी में रख दिया था, और पानी में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, तो बहुत सारे प्लांट बच गए थे फ्रेंड्स। तो इतने सारे प्लांट तो मैं अपने गार्डन में नहीं रख सकती, तो इन्हें मैं डोनेट कर दूंगी। आप देख सकते हैं पानी में रखने के बाद इसमें ढेर सारी वाइट न्यू रूट निकले हैं, तो पानी में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। अब इसमें से कुछ प्लांट मैं पानी में रखूंगी, लेकिन कुछ प्लांट्स को मैं अलग से पैक कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं निकल रही हूँ नर्सरी के लिए। और नर्सरी में, जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है कि मैं एक्स्ट्रा प्लांट नर्सरी में डोनेट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने प्लांट्स को कर दिया है नर्सरी के ओनर के हवाले। अब ये प्लांट इनके नर्सरी की शोभा बढ़ाएंगे। लेकिन आज का टॉपिक फ्रेंड्स ये नहीं था। आज का टॉपिक है कि ऐसा इनके पास क्या जादू होता है कि इनके प्लांट्स छोटे छोटे पॉट्स में, छोटे छोटे पॉली बैग में लगे होते हैं, फिर भी काफ़ी हेल्दी बने रहते हैं। फ्लावर लंबे समय तक टिके रहते हैं, पत्तियाँ चमकीली ग्रीन सी दिखती है। तो ऐसा क्या जादू ये लोग करते हैं कि इनके प्लांट्स इतने हेल्दी बने रहते हैं, जबकि हम खरीद कर लेकर जाते हैं वहाँ से प्लांट, तो हमारे गार्डन में जाने के कुछ ही समय के बाद प्लांट्स डल से दिखने लगते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है? तो नर्सरी के ऑनर से इस विषय में मैंने बात की, तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया और मुझे पता चला कि इसका रीज़न क्या है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नर्सरी प्लांट के हेल्दी होने का गुप्त राज क्या है। इस जादू का राज यहाँ पे छुपा हुआ है, और आइए देखते हैं कि ये क्या है। ये क्या है? मिनिमल है। मिनिमल? मिनिमल है। ये जिंक है। जिंक है। इसको डालने से पौधा में क्या होता है? फूल नहीं झड़ेगा, फूल नहीं झड़ेगा, फूल टिकाव हो जाएगा, पीला पत्ता नहीं होगा। अच्छा, ये जो है सो आपको हो गया जैविक मल। जैविक मल इसको डालने से क्या होता है? इससे डाइट का काम करता है, पेड़ भी बुलंदी होता है, पेड़ में ग्रोथ ज्यादा करता है। अच्छा। तो फ्रेंड्स, नर्सरी में कुछ केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज किए जाते हैं, जिससे कि इनके प्लांट काफी हेल्दी बने रहते हैं। देने से आपको फूल भी जल्दी खिल जाएगा, फूल भी टिकाऊ हो जाएगा। तो ये सब तो केमिकल फर्टिलाइजर हुआ। ये भी केमिकल हुआ? नहीं, केमिकल नहीं है, ये तो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, अच्छा। बताइए दवाई के बारे में कुछ। ये कीटनाशक है। कीटनाशक? अच्छा। रोगड़ है, कीटनाशक है, इसके बाद सुपर किलर है। सुपर किलर? ये मेंटी प्लक्स है, फूल झड़ जाता है, उसको लिए नहीं झड़ पाएगा। अच्छा। फूल नहीं झड़ेगा। अच्छा। और ये तमाशा कह के दवा आता है, जो व्हाइट कीड़ा लग जाता है, वो ये और फूल सब में। अच्छा। उसको ले छिटने से ये व्हाइट मिली बग जो होता है, सफेद सफेद कलर का रहता है, उसके लिए ये है, इसे खत्म हो जाएगा। तो चलिए, ये वाला भी हम एक ठो ले लेते हैं। क्या प्राइस है इसका? 90 रुपये। ठीक है, तो ये वाला भी ले लेते हैं। मेरे बहुत सारे प्लांट में वो लग जाता है कीड़ा। तो दो दिन छिटना पड़ेगा आपको, एक आज छिटेगा तो फिर 6 दिन का बाद छिट दीजिए। अच्छा। क्योंकि इसको अंडा जो है ना सो नहीं मरता है। अच्छा। कीड़ा मर जाएगा, अंडा बच जाएगा तो फिर वो कीड़ा हो जाएगा, दो 6 दिन के बाद छिटने से वो भी मर जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये दवा लेकर आई हूँ अपने गार्डन में, स्प्रे करना है मुझे, और इसके लिए हेल्प कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। और 1 लीटर पानी में लगभग 10-15 बूंद नर्सरी के ओनर ने बताया था कि ये डालना है, तो उसी हिसाब से ये दवा डालकर हम स्प्रे करने वाले हैं अपने सभी पौधों पे, और पौधों की हालत भी मैं दिखाने वाली हूँ आपको। ये तो वीडियो में अंत तक बने रहे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने घर में बने हुए बहुत तरह के दवाओं का यूज किया, लेकिन फिर भी ये जाने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि पूरे गार्डन में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फैल चुके थे। थोड़े बहुत कीड़ों का अटैक होता है, तो ये घरेलू दवाओं का असर इन पे होता है, बट मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका है। ये घरेलू दवाओं से जाने का नाम नहीं ले रहे थे, तो अंत में मुझे केमिकल के तरफ जाना पड़ा फ्रेंड्स, और केमिकल वाले दवा का स्प्रे मैं करने वाली हूँ। देख सकते हैं बुरी तरीके से पूरे प्लांट को बर्बाद कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ और भी कुछ कीड़े लगे हुए हैं मेरे कुछ और प्लांट्स पे। ये देखिए, ये बोड़ी का प्लांट है, इस प्लांट पे जो कीड़े लगे हैं वे तो बड़े खतरनाक हैं फ्रेंड्स। मैं कीड़े दिखाती हूँ आप लोगों को, आप लोग ये देखिए, इसकी पत्तियों को और इसके फ्लावर्स को खा जाते हैं, और इसमें फ्रूटिंग नहीं होने दे रहे हैं। देखिए, कीड़े महाराज ये हैं, ये बड़े खतरनाक कीड़े होते हैं फ्रेंड्स। इनके पूरे बॉडी पे कांटेदार रोएं होते हैं, जो कि स्किन के अंदर चले जाते हैं। गलती से भी अगर टच हो जाए तो बहुत तेज इचिंग और जलन होने लगती है। तो ये बड़े खतरनाक कीड़े हैं। बहुत तरह के घरेलू दवाएं मैंने इस
स्प्रे किया, बट ये जाने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे गार्डन में अधिकांश पौधों पे इन्हीं कीड़ों का अटैक हो चुका है और बहुत तेजी से इनकी आबादी बढ़ती है। फ्रेंड्स, घरेलू दवाओं का स्प्रे करने पे इनकी आबादी कम हो जाती है, बट फिर ये उसी तरीके से बढ़ जाते हैं। तो अंत में मुझे केमिकल वाली दवा की तरफ जाना पड़ा है। फ्रेंड्स, मैं अपने गार्डन में सभी पौधों पे यही दवा स्प्रे करने वाली हूँ। ये देखिए, मनी प्लांट था, इसमें इनकी पत्तियों को भी ये लोग खा रहे हैं। इस पे भी भयंकर रूप से अटैक इनका हुआ है। हम सारे गार्डन का सत्यानाश कर दिए हैं ये लोग। और ये इधर भी एक प्लांट है, पेठे का प्लांट है जिससे कि पेठा बनता है, तो इस पे भी इनका अटैक हो चुका है। तो इस दवा का स्प्रे सारे प्लांट्स पे हम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि प्लांट्स की कंडीशन बहुत बुरी है, यहाँ तक कि प्लांट्स में जो फ्लावर आ रहे थे उन फ्लावर्स को भी ये खा जाते हैं, तो फ्रूटिंग कहाँ से होगी। तो मैं इसी वीडियो में इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि ये दवा कितना असर किया। और अब देखिए, इधर देखिए, मनी प्लांट पे इधर भी यही हाल है, सेम कीड़ा यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो बस एक वही दवा मैं लेकर आई हूँ और इन सभी पर मैं इसका स्प्रे कर रही हूँ। और स्प्रे करते हैं, दवा का छिड़काव करते हैं, ये नीचे गिरने लगे। और ये देखिए, ये कुछ नीचे गिर गए हैं, तो मैं इन्हें उठाकर फेंकने वाली हूँ। अब देखिए, ये है, इस तरीके के कीड़े होते हैं, ये देखिए कैसे भयंकर कीड़े हैं। अगर गलती से भी हाथ लग गया तो बहुत बुरी तरीके से इचिंग होने लगती है। ये देखिए, दवा स्प्रे करते हैं, इनमें खलबली मच गई है और अब ये इधर उधर भाग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, पत्तियों को बड़े मज़े से खाते हैं और खाकर पूरे प्लांट को गंजा कर देते हैं। तो ये हाल है इनका। तो देखिए फ्रेंड्स, स्प्रे सब जगह करने के कुछ दिनों के बाद की वीडियो ये है। लगभग दो बार स्प्रे करने के बाद मेरे बोड़ी के प्लांट में बोड़ी आने लगी। आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे कीड़े भी हट चुके हैं। आप देख सकते हैं, नए नए फ्लावर भी आ रहे हैं और फ्रूट भी बनने शुरू हो गए हैं। तो सोचा कि आपके साथ इसका असर भी दिखा दूँ। कीड़े तो फ्लावर तक को नहीं छोड़ते थे, फ्लावर भी खा जाते थे, तो फ्रूटिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी देख सकते हैं कि मेरे बोड़ी के प्लांट में कितने सारी बोड़ी लगी हुई है। और अब मैं इसे तोड़ रही हूँ, मैं तोड़ कर दिखाती हूँ कि मैंने कितनी हार्वेस्टिंग की है। तो ये दवा बहुत अच्छा काम किया है इस कीड़े पे, और हेल्दी बोड़ी है, कहीं किसी बोड़ी में कीड़े नहीं लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से इसमें फ्रूटिंग हुई है दवा स्प्रे करने के बाद। तो टू टाइम, जैसा कि उन्होंने बोला था, नर्सरी वाले ने बताया था कि दो बार स्प्रे करना पड़ेगा, तो दो बार मैंने स्प्रे किया तो इतनी सारी बोड़ी एक बार में ही हार्वेस्टिंग हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये दवा बहुत अच्छे से असर किया है। और ये देखिए, पर्सलिन के प्लांट में जो कीड़े लगे थे, तो पर्सलिन में से भी सारे कीड़े हट गए हैं। 9 o'clock का प्लांट है, सारे के सारे प्लांट अब क्लीन हो चुके हैं और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है इनमें। ये देखिए, इधर भी इन सभी में से सारे के सारे कीड़े हट गए हैं, जबकि सारे में व्हाइट पूरे तरीके से कवर कर चुके थे। अभी भी देख सकते हैं, येलो वाले में तो अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, जबकि अभी ये प्लांट डोरमेंसी की तरफ जा रहा है, फिर भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं, ये दवा बहुत अच्छा वर्क किया है। सारे के सारे प्लांट से वाइट मिली बग का तो अटैक हट चुका है। मैंने आपको नहीं दिखाया था, मेरे नाग चंपा के प्लांट पे भी इन वाइट मिली बग्स का बुरी तरीके से अटैक था, तो वो भी अब हट चुका है और नाग चंपा भी अच्छे से ग्रोथ ले रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑल पे रखिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।